नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो एक एविएशन एकेडमी के ऊपर है जिसका नाम है टेलेंटो एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कलकत्ता में स्थित एक कंपनी है जो एविएशन के कोर्सेस प्रोवाइड करती है और 100% एविएशन सेक्टर में जॉब प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में, खोज लगाते हैं कि ये कितना जेन्युइन है और कितना फेक है। आगे वीडियो देखते रहे और वीडियो को आगे बनाने से पहले यही दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो एक फैक्ट के बारे में बात करेंगे जहां एक कैंडिडेट ने मुझे मेल किया था और वो मेल का जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ पढ़ के आपको बताने वाला हूं। तो मैं वो नोट डाउन करके मैंने रखा है कॉपी में। यहां जो है कैंडिडेट को ईमेल के जरिए एक जॉब एड मिलता है और 8 जून 2021 कुछ ही दिन पहले उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है उसमें उन्हें कहा जाता है कि वो सिलेक्टेड हो चुके हैं और उनका 3 दिन का जो है ट्रेनिंग रहेगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग रहेगा और 3,000 रुपए लगेंगे। तो पर डे का गिरता है 1,000 रुपया। तो वहां पे जो है एयरपोर्ट के बारे में, एयरपोर्ट स्टफ्स, कुछ भी एयरपोर्ट के बारे में उन्हें ट्रेन किया जाएगा। तो ये हो गया, ये जो ट्रेनिंग है 3 दिन का 9, 10 और 11 जून को हुआ, रिसेंट इसी मंथ। तो उसके बाद 12 जून को कॉल आता है उनको, टेक्निकल जो है ट्रेनिंग होगा उनका, कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें 28,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो 14 दिन का ट्रेनिंग रहेगा यानी पर डे 2,000 रुपए करके अब लगेंगे। तो ये जो है सारा जो है मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं। पहला स्क्रीनशॉट रहेगा फॉर्म फिलअप, 2 फॉर्म फिलअप के स्क्रीनशॉट्स हैं। और एक व्हाट्सएप मैसेज है। तो सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूं कि इंडिगो या फिर पकड़ लीजिए एविएशन सेक्टर, अगर मैं कह रहा हूं तो एविएशन इंडस्ट्री में एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में सारा आता है और प्राइवेट जो है कंपनीज, एयरलाइन कंपनीज अपना जो है इंडस्ट्री यहां रन कर रही है, जैसे कि इंडिगो, विस्तरा और भी है, गो एयर, स्पाइस जेट, इसे छोड़ के जो है एयर इंडिया गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी है, गवर्नमेंट ओन्ड अथॉरिटी है। तो जो इंडिगो का बात कर रहा था, इंडिगो या फिर कोई भी प्राइवेट जो है उनके वेबसाइट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी के थ्रू वो जॉब इंटरव्यूज लेते नहीं है, वो खुद अपना इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मैं बारी बारी कहते ही रहता हूँ। तो अब जो है आपको मैं जेन्युइनली दिखा दूंगा कि रिसेंटली क्या क्या जॉब इंटरव्यूज जो है, जॉब वेकेंसीज चल रहे हैं रेस्पेक्टिव, पकड़ लीजिए इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तरा, गो एयर, ये सारे में मैं दिखा दूंगा आपको, एयर इंडिया इवन, सब मैं दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या चल रहा है। तो मैंने अपना लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ इंडिगो की बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए ये सारे जॉब अभी अवेलेबल है। इंडिगो में 3 तरीके के जॉब्स नॉर्मली कैटेगोराइज किए गए हैं, वो है डिजिटल, कॉमर्शियल और आई फ्लाई। यहाँ देखिए डिजिटल में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये यूएक्स डिजाइनर, ये सारे जो है डिजिटल, जो इतना जो उनका वेबसाइट में काम या फिर ऐप डेवलपमेंट, ऐप में काम होता है उसके लिए है ये। और उसके बाद है कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन, अभी गुड़गांव में चल रहा है, और आई फ्लाई सीनियर एग्जीक्यूटिव गुरुग्राम में ही चल रहा है, कंटेंट डेवलपमेंट। तो कोई भी जॉब अलग कोलकाता में देखिए चल नहीं रहा है अभी, या फिर दिल्ली में भी बोले तो चल नहीं रहा है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आते हैं स्पाइस जेट में, सारा मैंने खोल के रखा है एक के बाद एक, स्पाइस जेट यहाँ पे लिख के रखा है, देखिए आप, पब्लिक नोटिस कम टू आवर नोटिस दैट सर्टेन miscreants are illegally representing themselves as employees, associates, consultants of SpiceJet and using its name to make employment offers for consideration. मतलब जो धांधलेबाज है, जो फ्रॉड है, वो लोग
उनका एम्प्लॉय बन के जॉब प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नोटिस दे दिया है कि कहीं भी आप वो ना करें, मतलब इंटरव्यू ना दे इस तरीके का, फेक इंटरव्यूज ना दे। यहाँ पे देखिए पब्लिक नोटिस में दे दिया है, और कोई भी अभी जॉब स्पाइस जेट में भी अवेलेबल है नहीं है। अब आगे जाते हैं विस्तरा, ये रहा विस्तरा का करियर पेज। सारा जो करियर लिंक है वो मैं ऐसे भी दे देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये देखिए करंट वैकेंसीज, पहले यहाँ दो कैटेगरी में दिया रहता है, केबिन क्रू और ये पायलट। तो यहाँ देखिए केबिन क्रू में आपको दिखेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है, मगर इंटरव्यू देखिए डेट इंटरव्यूज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, कोई इंटरव्यू अभी चल नहीं रहा है। और पायलट का भी देखे तो ये देखिए इंटरव्यूज पोस्टपोन टिल फर्दर नोटिस, अभी कुछ नहीं चल रहा है। एयर इंडिया का अगर देखें, अब हम फिर से एयर इंडिया के करियर में आ चुके हैं, वहां देखिए यहाँ रिजल्ट एक दिया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो हुआ था 30 जून को टेंटेटिव एंड डेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, और रिक्रूटमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर कमांडर चल रहा है। ऑनलाइन डेट 26 फरवरी को दिया था और एंड होने वाला है 25 फरवरी को, एंड भी हो गया, मतलब अभी चल नहीं रहा है ये। मगर एयर इंडिया जो है, अगर मैं कहूँ तो यहाँ आपको जो है, जैसे हमारा गवर्नमेंट जॉब के लिए हम बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, उसी तरीके से बैठ के देना पड़ता है आपको। अब जाते हैं गो एयर में। गो एयर में आप देखेंगे कि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड जो इंटरव्यूज का, मगर नीचे जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या क्या होने से, मतलब आपका क्या क्वालिफिकेशन, क्या हाइट, क्या होने से आपका जो है सिलेक्शन, मतलब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये लोग और एक ईमेल इन्होंने भेजा इस कैंडिडेट को, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वहां उन्हें कहा गया कि यही जो है जो 14 दिन का ट्रेनिंग है, वहां डेजिग्नेशन जो है वो कहा गया है कि एयरपोर्ट यूटिलिटी प्रोग्राम। ये समझ नहीं आया सबसे पहले कि एयरपोर्ट यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो क्या डेजिग्नेशन है, तो दैट वाज वन मोर डाउट विच आई हैड। तो मेरे मन में जो सवाल है वही मैं आपसे कह रहा हूं। अच्छा, अब आपको कुछ कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी जो है वो भी दिखा देता हूँ, कुछ कंज्यूमर कंप्लेंट्स जो टैलेंटो एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं अब कि गूगल रिव्यू जो है वो आप पढ़ लें, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही बताऊंगा। मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं, तो ये भी देखने वाली बात रही। तो आगे बढ़ते हैं टैलेंटो एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के गूगल रिव्यू के बारे में। तो देखते हैं वहां के गूगल रिव्यू के बारे में जो मिक्स्ड रिव्यूज आए हुए हैं, यहाँ मैं सारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए टैलेंटो इज द बेस्ट, यहाँ पे पहला जो है अच्छा है, दूसरा वाला देखिए फेक जॉब प्रोवाइडर्स लिखे हुए हैं। कुछ अच्छा चलता है तो कुछ पीछे चल जाता है। ऐसे यहाँ पे देखिए दो अच्छा स्टार रेटिंग का आया, तीन आया, चौथा आया, सारा अच्छा फाइव स्टार रेटिंग का आ रहा है, फाइव स्टार रेटिंग का आ रहा है, तो बीच में पट से एक आ जाएगा जो कि फ्रॉड या फिर कुछ इस तरीके का। ये देखिए वन स्टार देखे, प्लीज डोंट अप्लाई इन दिस कंपनी इट्स अ फेक, कुछ इस तरीके का आ जाता है। फिर फाइव स्टार चलता है तो फिर एक वन स्टार आ जाता है। ये देखिए टैलेंटो एविएशन कंपनी इज अ फ्रॉड एजेंसी। अब पता नहीं कि कितना सच है कितना झूठ है, इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे जानना चाहता हूँ। आप अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अगर आप टैलेंटो एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में गए हो, अगर आपका अच्छा रिव्यू है तो अच्छा रिव्यू ही दे, अगर जेन्युइन है पकड़ लीजिए, और अगर कुछ आपके साथ फ्रॉड या फेक हुआ है तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। मेरे फेसबुक पेज किशोर के यूट्यूब वीडियोस या फिर मेरे प्रोफाइल किशोर बैनर्जी में अवश्य मुझे इन्फॉर्म करें। जेन्युइन हो तो भी बताए ताकि मैं आगे वीडियोस बता पाऊं, क्योंकि इससे अगर करियर बन पाए किसी का तो अवश्य क्यों नहीं। अब जो है मुद्दे की बात क्या है ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर है कि फेक है कि जेन्युइन है, तो आप लोग जो है मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें यूट्यूब में इसी वीडियो में, ताकि हमें और पता चले कि टैलेंटो एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
कोर्सेज जो प्रोवाइड करती है या फिर कोर्सेज जो प्रोवाइड करती है या फिर जो 100% प्लेसमेंट देने की बात करती है, वो कितना उसमें सच्चाई है, कितना गहरा है वो बात, वो हमें बताए कमेंट के जरिए। और अगर सच्चे भी हैं, पकड़ लेते हैं कि जेन्युइन भी है, तो जेन्युइन जो लोग हैं, जो लोग के साथ सच में जिन्हें प्लेसमेंट मिला है, वो भी YouTube में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, या फिर मेरे Facebook पेज किशोर के YouTube वीडियोस, या फिर मेरे प्रोफाइल किशोर बैनर्जी, नीचे दिया हुआ है डिटेल्स, इन सब में आके मुझे बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि क्या है कि आगे जितने लोगों को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं एविएशन में, उनका ड्रीम है, तो वो ठीक तरीके से ज्वाइन कर पाए। यही कारण है इस वीडियो को बनाने का। मेरा कोई विचारधारा नहीं है, मुझे बस जानना है आप सबसे, आप लोग कमेंट करके बताएं, ताकि मैं भी अवेयर हो जाऊं, और उसके बाद जो है मैं ठीक तरीके से बता पाऊं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अगर सच है तो सच दिखाइएगा, पेड कुछ भी मत दिखाइएगा, कि कोई भी अगर ऐसा है कि जो लोग लिख रहे हैं पेड नहीं, मतलब इन्फ्लुएंस्ड, अगर मैं कहूं इन्फ्लुएंस्ड कमेंट या फिर इन्फ्लुएंस्ड वीडियो मत दिखाइएगा। जेन्युइनली मिला है तो जरूर दिखाइएगा मुझे, कि कहीं भी अगर पकड़ लीजिए तो ये सारा जो है मुझे दिखाइएगा। प्रीवियस कुछ वीडियोस भी हैं टैलेंटो एविएशन के, मैं वो लिस्ट करके आपको दिखा दूंगा, जहां पे बताया जा रहा है कि वो जो है फेक प्रोफाइल्स भी बना के रिव्यूज देते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज पॉजिटिव कमेंट्स। तो ये सारा चीज मुझे बताए आप, कमेंट करें, मैं सारा कमेंट पढ़ूंगा, और एक हम जो है आइडिया बनाएंगे इस चीज पे। जेन्युइन कमेंट रहेगा तो जेन्युइन कमेंट भी कीजिए, नो इशू, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे ऐसे रेगुलर वीडियोस के। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।